हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेवल विद सैमसन। मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा लखनऊ से जयपुर मैं गया था स्लीपर कोच में। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का एक आइकन हवा महल। तो चलिए, ये तो फ्रंट व्यू है, हम लोग चलते हैं टिकट लेने, जो कि साइड से रास्ता गया है। ये देखिए, रास्ता अंदर जाता है, ये साइड से जाता है और आगे जाके राइट हैंड पे आप देखेंगे टिकट है, वहाँ पे टिकट मिलता है विंडो से। तो ये मैंने टिकट ले लिया है, 100 रुपये के 2 टिकट मिले हैं। मेरा पैर बचा के, मैं तो चल नहीं पाऊंगा। सामान रख दें बैग में, बैग क्या करेंगे अंदर ले जाके। ये यहाँ से एंट्री है हवा महल की। ये एक्चुअली पीछे का रास्ता है, जो हम लोग देखते हैं वो फ्रंट व्यू है हवा महल का, जो मैं अंदर से भी दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पर सिक्योरिटी भी है, चेकिंग होती है, तो कैमरा थोड़ी देर के लिए मैं ऑफ कर दूंगा। ये हम लोग अंदर आ गए। तो ये पीछे का गेट है, वो देखिए सामने आपको दिख रहा होगा लाल लाल, वो फ्रंट व्यू है हवा महल का। ये है हवा महल भैया, वो है फ्रंट, ठीक है। डोंट गो इनसाइड। अरे बहुत ज्यादा कह रहा है। चलिए सामने देखते हैं वो जो गेट बना हुआ है, वहाँ जाके क्या है। तो ये है हवा महल का बैक व्यू, जो हम लोग फोटोज़ में देखते हैं वो फ्रंट व्यू होता है, जो मेन रोड से है। और ये हम लोग अभी हवा महल के अंदर है, बहुत अच्छा बना है, आप लोग एक बार ज़रूर विज़िट करें हवा महल। और अभी पूरा मैं घुमाऊंगा, आप कहीं जाइएगा नहीं, एंड तक वीडियो देखिएगा। ये किस चीज़ की एंट्री है? प्रवेश। क्या है ये? आओ इधर आओ, वे टू एग्जिट है। अरे कैफे कॉफी डे है। डोर्स देखो वुडन है। अच्छा, दूर से लग रहा था कि ये डोर्स पत्थर के हैं, बट पास से देखा तो ये वुड में कार्विंग करी गई है। ये दांत में क्या रखते होंगे ये लोग? दांत में दिया, दिया और बाती। हमेशा हवा रहती है। देखो छोटी सी खिड़की, देखो छोटा सा बच्चा है और छोटी सी खिड़की है। क्लोज करके देखो, ओपन करो।
ये देखा आपने, महारानियाँ ऐसी विंडो ओपन करती थी और ये ओखले से अपना सर निकाल के बाहर की नज़ारा लिया करती थी, क्योंकि बाहर तो जाना होता नहीं था उनका। मेरी वॉइस क्लियर नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे शोर और इको बहुत हो रहा है, ये कुछ शब्द क्लियर नहीं होंगे। सुपरिटेंडेंट ऑफिसर तो ये है महाराजा सवाई प्रताप सिंह, जिन्होंने 1778 से लेके 1803 एडी तक रूल करा है। बाकी हिस्ट्री पढ़ने का टाइम नहीं है, अभी बहुत घुमाना है, हिस्ट्री आप लोग बाद में पढ़िएगा, अभी आप सिर्फ घूमने का मजा लो। प्रवेश के साथ लिखा यूज में देख के चलिए। भाई यार गर्मी बहुत हो रही है, लेकिन घूमने का भी अलग ही मजा है, यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है। अरे जिनको घूमने का शौक़ होता है उनके लिए गर्म ठंडा कुछ नहीं होता, बस घूमने में वो खो जाते हैं, आप तो दिख ही रहे होंगे, लेकिन जो मज़ा खुद देखने में वो वीडियो में नहीं है। इसलिए मैं बोलूँगा कि जो भी वीडियो देख रहा है एक बार जयपुर ज़रूर विज़िट करें, बहुत अच्छी जगह है। उनको कैब भूला नहीं है रास्ता, अब बंद हो गया। उनको गार्ड को दिखो जरा, यहीं से रानियां बाहर देखा करती थी। ये विंडोज़ में कलर्ड ग्लास लगे हैं, उनसे जो रोशनी आ रही बहुत प्यारा लग रहा है। पहले ये ओपन था पता है, हो गया होगा, उनको पता होगा मैं आ रही हूँ।
पहले जब कोई जुलूस या कुछ निकलता था तो रानियाँ इसी विंडो से बाहर दिखा करती थी। और ये विंडो इतनी छोटी है कि सिर्फ आपका फेस ही जा सकता, पूरा सर भी नहीं निकल सकता बाहर। देखिए इससे पूरा क्लियर नज़ारा दिखता था उनको, पूरे फ्रंट उसमें विंडो बनी हुई छोटी छोटी ताकि हर जगह से रानियाँ देख सकें। चलिए अब हम लोग चलते हैं टॉप फ्लोर पे हवा महल के, जिससे बाहर का व्यू और ऊपर का पूरा कोई बात नहीं, अभी वाला नहीं दबाता। हाँ वही तो मेन। तो अभी ये है जो वो आप सामने देख रहे हैं नुकीला से बिल्डिंग ऊपर निकली, वो जंतर मंतर है और जो कि इसके बैक साइड में ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो आप आराम से जब हवा महल घूमने आए तो जंतर मंतर भी घूम सकते हैं। अभी ऊपर चलते हैं और ऊपर से मैं दिखाऊंगा आपको, तो जंतर मंतर का और क्लियर व्यू दिखेगा और फ्रंट का भी क्लियर व्यू दिखाऊंगा मैं। इतनी ऊपर से तो और ज़्यादा व्यू क्लियर है, सब कुछ क्लियर दिख रहा है, जंतर मंतर सामने है और वहाँ हम लोग नीचे से ऊपर आए हैं स्टेयर्स से। और चलिए पूरा दिखाता हूँ 360 में। और ये जो हम लोग देख रहे हैं ना लाल लाल गुम्बद, ये हवा महल का फ्रंट व्यू है टॉप का। अभी लास्ट में आपको दिखाऊंगा फ्रंट व्यू, ये ऊपर टॉप का है, हम लोग वहाँ चढ़े हुए हैं। अभी आप लोग सामने प्लेटफॉर्म देख रहे हैं सामने, वहाँ पे भी अभी चल के दिखाऊंगा आपको पूरा 360 का व्यू। अच्छा यहाँ से अगर आपको जल महल भी जाना हो तो वो भी बहुत पास है, और जो बैटरी वाला रिक्शा है वो यहाँ हवा महल से 10 रुपये लेता है पर पर्सन, तो आप हवा महल से आराम से जल महल जा सकते हो। मुझे पहले मैंने प्लेटफॉर्म दिखाया था आपको, वो वहीं से ये मैंने वीडियो बनाया है। ये पूरा जब कुछ है यहाँ से दिख रहा, देखिए और ये देखिए, और वहाँ पे हम लोग खड़े थे सामने, यहाँ से दिखेगा क्लियर दिखेगा आप लोग को। ये देखिए वहाँ पे हम लोग ऊपर खड़े थे, वहाँ से मैंने दिखाया था आपको ये प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों ये है जयपुर का हवा महल, और वहाँ ऊपर टॉप पे हम लोग खड़े थे जहाँ से वीडियो बनाया था। तो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी लाऊँगा जो कि जयपुर मेट्रो पे होगा। ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक ले बाय फॉर नाउ एंड टेक केयर।